हेलो दोस्तों, इजी एजुकेशन आप सभी छात्रों का स्वागत करता है। हमने पिछले वीडियो में बात किया था NPCIL के रिक्रूटमेंट के बारे में। यहाँ तक हमने डिस्कशन किया था स्टाइपेंड कितना दिया जा रहा है। जैसे 20,000 रुपीज़ जो स्टाइपेंड था वो आपके स्टाइपेंड टेक्नीशियन पोस्ट के लिए जो कैटेगरी सेकंड के स्टूडेंट्स सेलेक्ट होंगे उनके लिए था, फर्स्ट ईयर के लिए। जबकि सेकंड ईयर के लिए 22,000 था। अभी इस नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। जो बच्चे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उनका सिलेक्शन कैसे होगा, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। किसी भी फॉर्म डालने से पहले इसको देखना बहुत ही अनिवार्य होता है। तो आइए हम नेम ऑफ द पोस्ट एंड सिलेक्शन प्रोसीजर की डिटेल्स देख लेते हैं। जो हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर है वो आपका रिटेन एग्जामिनेशन के साथ साथ स्किल टेस्ट होगा। जो हमारा रिटेन एग्जाम होगा वो OMR बेस्ड CBT टेस्ट होगी। अगर हम वहीं बात करें टेक्नीशियन जो प्लांट ऑपरेटर हैं उनका जो एग्ज़ाम होगा वो भी OMR बेस्ड CBT टेस्ट होगी, बट इसमें स्किल टेस्ट नहीं होगा। स्किल टेस्ट आपके मेंटेनर एक्सरे टेक्नीशियन का हो गया, डेंटल टेक्नीशियन का हो गया, फार्मासिस्ट बी अब्लिक बी का, या साइंटिफिक असिस्टेंट बी जो लैब टेक्नीशियन है, और नर्स जो मेल फीमेल की वैकेंसी है उसमें आपका स्किल टेस्ट रहेगा। बट जो प्लांट ऑपरेटर है उसमें स्किल टेस्ट नहीं रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिटेल ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर स्टाइपेंड रिटेनिंग जो टेक्नीशियन कैटेगरी सेकेंड मेंटेनर है, प्लांट ऑपरेटर हैं, पैरामेडिकल पोस्ट जैसे कि नर्स हो गए, पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन होंगे, फार्मासिस्ट हो गए, स्टाइपेंड रिटेनिंग डेंटल टेक्नीशियन होंगे या एक्सरे टेक्नीशियन होंगे, तो इनके हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा दो स्टेप का स्टेज का सिलेक्शन होगा। पहला हमारा प्रिलिमरी टेस्ट रहेगा, सेकेंड हमारा एडवांस टेस्ट रहेगा। हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेज की। तो जो प्रिलिमरी टेस्ट हमारा रहेगा वो स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन रहेगा, जो शॉर्ट लिस्ट करने के लिए कैंडिडेट को। तो इसको 1 घंटे का हमारा पेपर होगा जिसमें आपके 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वो एक कॉमन रहेगा, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए, आप किसी भी ट्रेड से रहें, चाहे आप नर्स के दे रहे हैं या फिर टेक्नीशियन ITI फीडर वगैरह के स्टूडेंट्स हैं, तो भी आपका ये सेम रहेगा। और ये आपका जो टेस्ट है वो शॉर्ट लिस्ट बनाने के लिए रहेगा कि जो बच्चे कितने को लेना है, कितने को छांटना है, शॉर्ट आउट करने के लिए, जिससे हमारा नेक्स्ट स्टेज के लिए कम से कम स्टूडेंट्स अवेलेबल रहें। तो इसमें डिटेल्स देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे जो स्टेज फर्स्ट रहेगा प्रिलिमरी टेस्ट, उसमें देखेंगे तो 20 क्वेश्चन हमारा मैथमेटिक्स से रहेगा, 20 क्वेश्चन हमारा साइंस से रहेगा, वहीं जबकि जनरल अवेयरनेस से हमारा 10 क्वेश्चन, यानी टोटल 50 क्वेश्चन हो गया। अगर तो इसमें जो बच्चे हैं इसको एक बार देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। बात करें इसमें तो एक क्वेश्चन आप सही करेंगे तो आपको 3 नंबर अवार्ड के रूप में दिया जाएगा, और रॉन्ग क्वेश्चन के लिए 1 माइनस मार्किंग, यानी 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी यहाँ पे। तो इसलिए थोड़ा सा एग्ज़ाम से पहले इसको देख लीजिएगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग, यानी यहाँ तुक्का बिल्कुल मत मारिएगा अगर आपको नहीं आता तो। अब इसमें बात कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड की। तो यहाँ पे दिया है कि कौन से कैटेगरी के स्टूडेंट्स कितने मिनिमम स्कोर करेंगे क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड में। तो जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं या फिर EWS के कैंडिडेट्स हैं उनको मिनिमम 40% मार्क्स करना है। वहीं अगर बात करें SC ST OBC या PWD कैंडिडेट के लिए, तो उनको मिनिमम 30% मार्क्स आपको स्टेज फर्स्ट यानी प्रिलिमरी टेस्ट में आपको करना ही करना है, यानी प्रिलिम्स जो टेस्ट होगी उसमें आपको, अगर UR के हैं तो 40%, SC ST OBC या PWD के हैं तो 30% आपको करना ही करना है। अगर बात करें सेकेंड स्टेज की, हाँ, तो सेकेंड स्टेज आपका एडवांस टेस्ट रहेगा। ये 2 घंटे का आपका टेस्ट होगा सेकेंड स्टेज। अब सेकेंड स्टेज में आपसे पूछा क्या जाएगा, जो बच्चे फॉर्म अप्लाई किए हैं, जो ट्रेड
टेक्नीशियन या ITI ट्रेड वगैरह से हैं, तो उनके लिए क्या है कि जो जिस भी वो सब्जेक्ट से अपना ट्रेड अपना कर रहे हैं ITI में, उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो प्लांट ऑपरेटर कैटेगरी सेकंड है वो हाई स्कूल सॉरी इंटर बेस पे उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। पैरामेडिकल की अगर बात करें तो सिलेबस रिलेटेड टू देयर क्वालिफाइंग एकेडमिक प्रोफेशनल टेक्निकल क्वेश्चंस उनसे पूछे जाएंगे। 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे भी रहेगा जो 3 घंटे में आपको करने हैं। यहाँ पे भी करेक्ट आंसर से आपको 1 नंबर सॉरी 3 नंबर और इनकरेक्ट ऑप्शन पे आपको 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग के रूप में दिया जाएंगे। यानी यहाँ पे भी आपका 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो तुक्का तो आप लोग बिल्कुल ही मत मारिएगा। यहाँ पे अगर स्टैंडर्ड क्वालिफाइंग की बात करें तो EWS और UR के लिए मिनिमम स्कोर्स यहाँ भी मेंटेन कर दिया है कि आपको क्वालिफाइंग 10 सेकंड होने के लिए 30% होना चाहिए। वहीं जबकि OBC PWD SC ST कैंडिडेट के लिए 20% मिनिमम मार्क्स करना ही करना है सेकेंड स्टेज को क्वालिफाई करने के लिए। फिर इन्होंने बोल दिया है कि मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट विल बी प्रिपेयर्ड आफ्टर स्टेज सेकेंड बेस्ड अपॉन द स्कोर ऑब्टेंड इन स्टेज सेकेंड ओनली। यानी जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा केवल स्टेज सेकेंड का मार्क्स देखा जाएगा। ये आप लोग डिटेल्स देख लीजिएगा। अगर सेम मार्क्स हो जाएगा तो आपका सिलेक्शन किस बेस पे किया जाएगा इसको हम बॉक्स में मेंशन कर दे रहे हैं, तो वीडियो पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा। हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारी जो दोनों स्टेज की परीक्षाएं होंगी एक दिन होंगी। स्टेज फर्स्ट हमारा मॉर्निंग शिफ्ट में रहेगा, वहीं स्टेज सेकंड की बात करें तो वो इवनिंग शिफ्ट में रहेगा। यानी एक ही दिन आपका दोनों एग्ज़ाम होने वाला है। थर्ड अगर हम बात करें स्किल टेस्ट की, तो सभी पे अप्लीकेबल नहीं है। यानी यहाँ पे बोल दिया नॉट अप्लीकेबल फॉर स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग टेक्नीशियन प्लांट ऑपरेटर। यानी जो प्लांट ऑपरेटर है उनके लिए कोई भी स्किल टेस्ट नहीं होगा, बाकी सब में स्किल टेस्ट आपको देना पड़ेगा। जैसे आपने नर्स के लिए दिया तो भी आपको स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। यदि आप एक्सरे लैब टेक्नीशियन वगैरह की फॉर्म भर रहे हैं तो उनके लिए भी आपको देना पड़ेगा। हम डिटेल में देख लेते हैं क्या क्या आपको स्किल टेस्ट में पूछा जाएगा। जो स्किल टेस्ट हमारा होगा ये केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, जिससे आप आगे जाना है या नहीं जाना है बस वही डिसाइड होगा। यानी ऑन गो नो गो बेसिस पे रहेगा। नेक्स्ट बात करें तो द नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्किल टेस्ट वुड डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइंग फॉर स्टेज सेकेंड बट नॉट एक्सीड 5। यानी केवल 5 गुना बच्चों को जो स्टेज सेकेंड से क्वालिफाई हो रहे हैं, जितनी नंबर ऑफ वैकेंसी उसके 5 गुना बच्चों को ही स्किल टेस्ट के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। जो बच्चे स्किल टेस्ट में पास होंगे उनका जो मेरिट बनेगी वो स्टेज सेकेंड के स्कोर से ही बनेगी। स्किल टेस्ट केवल आपको पास आउट ही करना है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं आगे चल के, तो वेट लिस्ट कैसे बनेगा, तो वेट लिस्ट के लिए डिटेल यहाँ पे दी हुई है। वेट लिस्ट में क्या है कि जितने बच्चे सेलेक्ट हो गए उतना तो लिया जाएगा, उतने ही बच्चों का एक वेटिंग लिस्ट बना दी जाती है 1 वर्ष के लिए। कुछ बच्चे छोड़ते हैं तो स्कोर वाइज उनको नीचे से बुला लिया जाता है। वेट लिस्ट के में जो इनका नाम रहेगा वो अपने आप को मान के चलें कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। जब बच्चे छोड़ेंगे तभी उनको बुलाया जाएगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं बुलाया जाता। तो इस पर आपको विशेष ध्यान नहीं देना है। फाइनल सेलेक्ट हो गए हैं तो बेटर है, वेट लिस्ट में है तो बहुत ही कम चांस है कि आपको दोबारा वहाँ पे बुलाया जाए। हम देख लेते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट्स। यहाँ पे हम मोटा मोटा चीज़ें डिस्कशन कर लेंगे जो इम्पोर्टेंट है, बाकी हम सब कुछ यहाँ डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। यहाँ जो एज लिमिट का निर्धारण होगा, जो लास्ट डेट हमारा फॉर्म फिलअप का है उस डेट को हमारा एज लिमिट का लास्ट कट ऑफ माना जाएगा। यानी उस डेट को अगर आप जो एज लिमिट रखी गई 18 से कहीं 24 18 से 25 18 से 30, तो आप 28/2/23 को आप के डेट से आप कैलकुलेट करिए कि आपकी एज कितनी है, वही आपकी एज की कट ऑफ डेट रहेगी। अगर नेक्स्ट हम अगर बात करें तो इन बच्चों का अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया, वो लास्ट ईयर में अपीयर हैं, वो यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं है। जबकि एज का जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे आपको मोटा मोटा दिखाना पड़ेगा, राउंड ऑफ नहीं करना है, कितने मंथ कितने दिन तक इस तरीके से आपको दिखाना है, ना कि सीधे। अगर यहाँ पे दे दिया 2 वर्ष 11 माह है तो 3 वर्ष आपको नहीं दिखाना है, 2 वर्ष 11 माह ही दिखाना है। यहाँ पे मिनिमम मापदंड जैसे 5.9% अगर आपका स्कोर हो रहा है तो उसको 60% भी नहीं दिखाना है, आपको 59.9 दर्शाना है। राउंड ऑफ आपको कहीं भी नहीं करना है।
अगर सी जी पी ए वगैरह में आप स्कोर किए हैं तो उसको आप परसेंटेज के रूप में कन्वर्ट करके दिखाइएगा। इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है नंबर 10 पे। आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो फुल टाइम रेगुलर भी होना चाहिए, पार्ट टाइम या फिर जो प्राइवेट कोर्स करते हैं वो भी यहाँ पे क्वालिफाइड वो मतलब क्वालिफिकेशन जो है वो कंसीडर्ड उनका नहीं किया जाएगा। जो ओवर क्वालिफाइड स्टूडेंट है वो भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, बट बशर्ते ये होनी चाहिए कि उनकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो उनके पास होना ही चाहिए। जैसे जो बी फार्मा डी फार्मा कर रहे हैं लेकिन उनके पास बी फार्मा अगर है उसके बाद डी फार्मा किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट अगर बी फार्मा जो किया है वो बच्चे डी फार्मा वाले पोस्ट पे अप्लाई नहीं कर सकते। उसी प्रकार जो डिप्लोमा किए हैं आईटीआई के बाद तो आईटीआई के जो जिस ट्रेड से उन्होंने आईटीआई किया है उसके पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, बट जो डिप्लोमा किए हैं उस पोस्ट को अप्लाई नहीं है। ओवर क्वालिफाई हैं लेकिन जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो यदि आप किए हैं तो आप एलिजिबल हैं पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। जिन स्टूडेंट्स का अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है वो भी बच्चे यहाँ पे अप्लाई ना करें। आपको अप्लाई कैसे करना है यहाँ पे डिटेल दे दिया है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको आगे नेक्स्ट प्रोसीजर करना है। तो इसको आप पेज नंबर यहाँ पे 21-22 पे डिटेल्स में दे दिया गया है कि आपको कैसे आवेदन करना है, उसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग फॉर्म अप्लाई करिएगा। एक बार यदि आपका फॉर्म जमा हो गया तो फिर दोबारा आवेदन नहीं होगा, तो इसलिए पहले ही बार आप लोग कोशिश करिए कि सही जमा करिएगा। यहाँ पे डिटेल दे दिया गया है पेज नंबर 21-22 पे। आप फॉर्म अप्लाई करने से पहले उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद ही अप्लाई करिएगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है तो हम ज़्यादा नहीं बनाएंगे। बाकी आप लोग कुछ और जानकारी चाहिएगा तो आप कमेंट में ज़रूर करिएगा मेंशन, हम उस पर वीडियो बना देंगे। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।